प्रदेश में इन दिनों मस्जिदों का मुद्दा तेजी से गर्मा रहा है। फिर चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो या किसी अन्य मस्जिद की बात हो, राज्य में मस्जिदों को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक दावा अलीगढ़ की जामा मस्जिद को लेकर भी किया जा रहा है। दरअसल अलीगढ़ के ऊपर कोट में स्थित जामा मस्जिद को लेकर पंडित केशव देव ने 23 जून 2021 में अलीगढ़ नगर निगम में एक RTI डाली थी, जिसमें जामा मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक को लेकर पूछा गया था। देखिए, हमने इतिहास को जान करके नगर निगम में एक RTI फाइल की थी महाजून 2021 में, और जब से हम पत्राचार करते रहे, अब एक साल में लगभग जा करके हमको उसका जवाब स्पष्ट मिल पाया है। ऊपर कोट किला जो राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ ये जो मस्जिद बनी है, ये मस्जिद किसकी ज़मीन में बनी है, इसका अधिकार पत्र कौन है, इसका मालिक कौन है। तो मुझे RTI के तहत जो जवाब दिया है नगर निगम अलीगढ़ के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि सार्वजनिक भूमि है, नॉन जेजेड है, ये सरकारी संपत्ति है, इसके ऊपर ये जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है, लेकिन निर्माण की कोई तिथि उन्होंने मुझे बताई नहीं है। इसका अधिकार किसके पास है, जमीन का या मस्जिद का? तो उन्होंने लिखा है कि इसका अधिकार किसी भी व्यक्ति विशेष के पास नहीं है, यानी मस्जिद लावारिस है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। अवैध रूप से मानते हैं मस्जिद को? अवैध ही है, जब इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, इस पर कोई मालिक नहीं है। अब इस मामले पर नगर निगम का जवाब आया है, जिसमें दावा किया गया है कि जामा मस्जिद सार्वजनिक स्थान पर बनी है और इस जमीन पर किसी का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जामा मस्जिद पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। वहीं केशव देव ने बताया कि उन्होंने इसे जन सुनवाई पोर्टल पर भी अपलोड किया है, जिसकी सुनवाई आज तक अधूरी है और इसका निस्तारण नहीं किया गया है। केशव देव के अनुसार जामा मस्जिद हिंदुओं की पूजनीय शिव मंदिर के अवशेषों पर बनी है, क्योंकि ये जगह कोल महर्षि विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनियों की तपभूमि रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जामा मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो पत्रावली मिली है उसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। RTI आवेदन को जो पत्रावली हमको उपलब्ध हुई है, साक्ष्य जो मिले हैं, उस आधार पर जिलाधिकारी, कमिश्नर साहब और नगर आयुक्त को हमने पत्राचार किया है, इसे अवैध कब्जे को हटवाने के लिए। सार्वजनिक भूमि है, आम देश की संपत्ति है, इसे मुक्त कराने के लिए, जैसा कि माननीय योगी जी मोदी जी का चल रहा है अवैध भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान, बुलडोजर चलाओ अभियान, तो उस बुलडोजर चलाओ अभियान में हम मांग की है जिलाधिकारी जी को कि इस अभियान में इस पर भी बुलडोजर चलाए, सार्वजनिक भूमि को, सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए।